गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं प्रियंका आपका एग्जाम बोर्ड टीचिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि ये न्यूज़पेपर की आपकी कटिंग जो है ये आज सुबह ही सुबह आई है और इसमें आप देखोगे कि कस्तूरबा स्कूल में होगी 2100 शिक्षकों की भर्ती। यानी कि जो कस्तूरबा जो है ये एक आवासीय कॉलेज है, यानी कि इसमें दो तरह की वैकेंसीज आपकी आएंगी। एक होगा आपका कैसा, तो ये होगा पार्ट टाइम जॉब, यानी कि कुछ समय के लिए, यानी 3 घंटे 4 घंटे के लिए। और एक शिक्षक ऐसे भर्ती किए जाएंगे जो पूर्णकालिक होंगे, यानी कि परमानेंट होंगे। और जितने भी परमानेंट आपके शिक्षक होंगे उनको हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, यानी कि इस आवासीय कॉलेज में उन्हें रहने की भी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, पूरा विवरण देखिए, कौन कौन से शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। गणित है ना, पूर्णकालिक का मतलब होता है जो आपका फुल टाइम शिक्षकों की जो भर्ती है वो देखिए। इसमें जो ये मांगा है गणित है ना, गणित में 389 शिक्षकों की भर्ती होगी। विज्ञान में 398 शिक्षकों की आपकी भर्ती फुल टाइम के लिए किया जाएगा, जिसमें रहने की सुविधा आपको सरकार के द्वारा दी जाएगी। हिंदी में 216 पदों को जो है भरा जाएगा। अंग्रेजी में 226 पदों की जो है ये भर्ती है। संस्कृत में 129 और सोशल साइंस में 427, इतने आपके फुल टाइम टीचर को भर्ती किया जाएगा। अब अगला आता है अंशकालिक, यानी पार्ट टाइम है ना, पार्ट टाइम के लिए, यानी मुश्किल से 2 से 3 घंटों के लिए कंप्यूटर शिक्षा में 102 है ना पदों को भरा जाएगा। ठीक, तो यानी कंप्यूटर शिक्षा, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर से संबंधित डिग्री है तो आप इस पद के लिए जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में स्काउट एवं गाइड, इसमें भी 85 पदों के लिए आपके भर्ती किया जाएगा। कला, क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प के लिए 76 और 72, इतने पदों की जो है आपकी भर्ती आएगी। अब देखिए सैलरी, हमारा मानदेय कितना होगा, भाई सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि हमारा मानदेय यानी हमारी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए फुल टाइम टीचर के लिए जो कि जो आप आवासीय में रहेंगे और पूरे टाइम आपको पढ़ाना है कम से कम 6 से 7 घंटे, तो आपको 22,000 रुपए दिए जाएंगे। 22,000। जो पार्ट टाइम शिक्षक यानी जो 2-3 घंटों के लिए बस जाएंगे अपना चले आएंगे, वो आपके 9,800 रुपए दिए जाएंगे। अकाउंटेंट की भी भर्ती होने वाली है। अगर आप इस समय बैठे हो, परमानेंट कहीं पे कोई भर्ती हो नहीं रही है, तो आराम से इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए 11,000 रुपए जो है आपको मानदेय दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुक की भर्ती भी है ना, कुक की भर्ती भी है जो कि 6,900 रुपए यानी 6,900 रुपए आपको दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारी चीजें, असिस्टेंट कुक का भी 5,000 और प्यून वॉचमैन का भी 5,750। अब इसमें आयु कितनी होनी चाहिए, कितने आयु वर्ग के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो 25 से 45 वर्ष के बीच में जो भी आपके विद्यार्थी हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये उसकी एज लिमिट है। अब आप देखिए कहाँ पर किस जिले में कितनी पोस्ट की आपकी ये भर्ती है, किस जिले में कितनी पोस्ट है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और हम आपको बताएंगे कि इसको भरना कैसे है। देखिए पहला आता है आपके सामने कहाँ का, लखनऊ का, जो कि 47 पोस्ट लखनऊ के कस्तूरबा गांधी आवासीय कॉलेज में आपका 47 पोस्ट है। हथरस में 38 पोस्ट, बागपत में 5 पोस्ट, बाराबंकी में 37 पोस्ट, कासगंज में 12 पोस्ट और महाराजगंज में 16, कुशीनगर में 56, यानी जो जो जिस जिले से संबंधित है अपना जिला देख ले, तो आप अपने जिले में इसको अप्लाई कर सकते हो। संभल में 25, लखीमपुरी में 20, सिद्धार्थनगर में 36 पोस्ट, अमेठी में 23 पोस्ट, अगर मऊ जिले से हैं आप तो 3 पोस्ट, मुरादाबाद में 18 पोस्ट, श्रावस्ती में 10 पोस्ट, मेरठ में 8 पोस्ट और मुजफ्फरनगर में 19 और कन्नौज में 5 पोस्ट और आपका अलीगढ़ में 28 पोस्ट। यानी कि इतने आपके
पोस्ट की आपकी भर्ती है जिसमें फुल टाइम पार्ट टाइम, अगर आप इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम इसको भरना कैसे है, तो इसको ऑनलाइन नहीं भरना है, जिस जिले के आप हैं बस अपने गूगल पर उस जिले को और ये कस्तूरबा गांधी आवासीय शिक्षक डाल करके और जिला अपना डाल लीजिए, तो वहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, बस उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके डाक के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि डाक के अलावा ये और अन्य किसी विधि से आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको डाक के द्वारा जो है आपको भेजना होगा, डाक के द्वारा भेजना होगा। अब देखिए इसकी योग्यता क्या है, तो देखो अगर हाई स्कूल इंटर अगर 60% है तो आपको 10% वेटेज यानी 10% नंबर ऐड होंगे, अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको 20% दिया जाएगा, अगर आप बीएड है या बीटीसी है तो आपको 30% नंबर इसमें जो है ऐड होगा, यानी इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही आपके कैटेगरी के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपके पास एक लेटर आएगा, आपके पास एक लेटर आएगा काउंसलिंग लेटर, काउंसलिंग लेटर, तो ये परमानेंट नौकरी नहीं है, लेकिन जब तक सुपरटेट की वैकेंसी नहीं आती है, अगर आप किसी जिले में बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो आप कम से कम इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना, आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आप बैठे हो, और जब सुपरटेट की वैकेंसी आएगी तो आराम से उसको डालिएगा, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं आ रही। और हाँ इसमें 2013 से पहले टेट नहीं मांगता था, लेकिन अब टेट भी आपका यूपी टेट मांगेगा, क्योंकि चूंकि यूपी टेट और सीटेट आपको इसमें अप्लाई में लगाना पड़ेगा कि आप यूपी टेट और सीटेट पास हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा क्या क्या उनको आपसे चाहिए, क्या क्या आपका विवरण चाहिए, तो आराम से बच्चों उसमें अपना विवरण डाल देना, बीएड डाल देना, यूपी टेट सीटेट है जो भी है वो डाल देना, और प्लस में अपना हाई स्कूल डाल देना, इंटर डाल देना, ग्रेजुएशन डाल देना, और साथ में आप डाल देना अपना बीएड बीटीसी, और किस किस पदों के लिए, तो देखो फुल टाइम में 22,000 सैलरी है, पार्ट टाइम में जो है 9,800 रुपए सैलरी है। फुल टाइम में गणित के जो बच्चे होंगे वो अप्लाई, विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए, और हिंदी के लिए जो बच्चा डालेगा उसका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हिंदी सब्जेक्ट उसका होना चाहिए, और संस्कृत, अंग्रेजी और सोशल साइंस, यानी कि आप इतने पदों के लिए फुल टाइम, और नहीं तो यहाँ रहने की सुविधा आपको दी जाएगी, हॉस्टल जो है आपको दिया जाएगा। नहीं आप पेयरिंग वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब कैसे अप्लाई करोगे, इसमें 30% का आपको वेटेज दिया जाएगा, ठीक 30% का वेटेज दिया जाएगा, तो आप अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जो पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स करके रखा हुआ है तो आप यहाँ तक कि शारीरिक शिक्षा के भी, शारीरिक शिक्षा के भी आप बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो आराम से बस गूगल पे कस्तूरबा गांधी 2023 वैकेंसी डालना, आपको पूरे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग 12 बजे की क्लास में तुरंत फटाफट सभी बच्चे आ जाइए, आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है। टेक केयर, बाय बाय।